तो भाइयों हम वापस अभी आ गए हैं काजा, काजा से आगे निकल के आ गए हैं थोड़ा सा, और अभी हमारा प्लान है कहाँ पे जाने का, ऊपर एक केम एंड कॉमिक। सो ये रोड देख लो भाई, ये काजा से आ रही है, हम मूद जो विलेज था वो करके आए थे काजा, हमने किया लंच वहाँ पे, और लंच करने के बाद में अभी हम जा रहे हैं, आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखो सामने जो रास्ता दिखा रहा है, सामने जा रहा है मनाली और रुकुंजुम पास लोसर वगैरह, वो रास्ता मेन हाईवे, और ये देखिए लांगचा हिक्किम कॉमिक, ये रहा ऊपर रास्ता। रास्ता भाई अभी तो स्टार्टिंग में, बहुत ही बढ़िया स्टार्टिंग पॉइंट। सो ऊपर चलते हैं, तीनों चीज़ निपटा देते हैं, लांगचा हिक्किम कॉमिक निपटा के वापस आते हैं। अभी टाइम हुआ है भाई 1:50 मेरी घड़ी में, सो 2 घंटे में वापस अगर आ जाएंगे, 4 बजे तक वापस आ गए हैं, तो भी डिसाइड करेंगे 4 बजे आने के बाद में कि काजा में वापस रुकना है या फिर आगे निकल जाना है की मोनेस्ट्री करने के लिए, और चीचम ब्रिज करके आगे निकल जाएंगे, तो वो डिसाइड करेंगे बाद में। पीछे देखो एक बार, दिस इज स्पिति रिवर, यहाँ पे जो पानी है थोड़ा साफ है, अगर आप कंपेयर करोगे आगे जो पानी था वहाँ पे, यहाँ पे पानी थोड़ा साफ लग रहा है, और आप नीचे जाना चाहो यहाँ से उतर जाओ अगर आप खतरों के खिलाड़ी हो तो, अदरवाइज भाई दूर से देखो नज़ारा, ये देखो भाई पूरा स्पिति वैली, ऑसम, अब तक का एक्सपीरियंस भाई आउटस्टैंडिंग, ऑसम। मैंने सोचा नहीं था कि भाई यहाँ का जो एक्सपीरियंस होने वाला होगा इतना प्यारा एक्सपीरियंस होगा, बहुत प्यारा। रोड्स कुछ जगहों पे भाई टूटी फूटी थी, कुछ जगहों पे अच्छी रोड्स थी, बट स्टिल मैनेजेबल है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर बारिश हो रही है तो एक बार चेक कर लेना, वहाँ पे लोकल होटल्स वगैरह होते हैं उनको कॉल करके पूछ लेना कि भैया हमारे क्या रास्ता साफ़ है, क्लीन है वगैरह वगैरह, या आप किसी और सोर्स से पता लगाना चाहो लगा सकते हो। तो चलिए भाई अभी चलते हैं ऊपर फटाफट, अभी तीनों गाँव जो है निपटा देते हैं, लांगचा हिक्किम कॉमिक, एंड देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ एक्सप्लोर करने लायक है। वाकई लग रहा है देख के कि जो है हिक्किम और जो कॉमिक है भाई वाकई हाईएस्ट पीक पे होंगे, बिकॉज लुक एट द रास्ता भाई खतरनाक ही है एकदम से। और आपने ड्राइव करते भाई एक बार भी अगर नीचे देख लिया तो भाई आपका सारा कॉन्फिडेंस 2 मिनट में गायब हो जाएगा, 2 मिनट में, जितने मर्जी आप बड़े चीता ड्राइवर हो, बस आप सामने देखो ड्राइव करना भाई, बिकॉज आप ड्राइव करते नीचे मत देखना, बिकॉज बिल्कुल भी फेंसिंग नहीं है साइड में, अभी तो चौड़ी रोड आ गई है बट कुछ टाइम पहले बिल्कुल सिंगल रोड थी, और सामने से गाड़ी आएगी तो बचाना मतलब बच जाएगी, बट अगर भाई प्रो ड्राइवर हो तो इन्हीं रोड्स पे लेके आओ ऊपर, अगर प्रो ड्राइवर नहीं हो तो बेटर है भाई आप काजा से एक ड्राइवर ले लो साथ में, या कैब बुक करके आ जाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, एकदम एक्सट्रीम स्टीप स्लोप जो है यहाँ पे, और नीचे भाई एकदम जो है पूरा काजा स्पिति सब दिखाई दे रहा है, एकदम एक्सट्रीम रोड है अभी। सो थोड़ा सा केयरफुली जाना है ऊपर, बाकी आप रास्ते देख ही रहे हो कैसे हैं रास्ते। तो हम अभी जा रहे हैं हिक्किम, और लेट्स एक्सप्लोर हिक्किम। अब लुक एट द लेफ्ट साइड, ये देखो भाई, भाई अगर आप ड्राइवर हो तो मत देखना, अगर आप को ड्राइवर हो तो आप लेफ्ट में ज़रूर देख लेना। सो ये आपके लिए है भाई व्यू। इतने खतरनाक रोड के बाद ऊपर जा रहे हैं, हिक्किम जा रहे हैं, तो भाई हिक्किम में पहुंचने के बाद में लगना चाहिए कि हाँ कुछ अच्छी जगह पे आए हैं, और इतनी मेहनत करने के बाद आए हैं। तो अभी सामने से गाड़ी आ रही है, बट अभी रास्ता चौड़ा है, हम आराम से पास कर लेंगे, बट नीचे जो रास्ता था वो थोड़ा नैरो था। वो देखो भाई साहब ने बीच में चला रहा पहली, वो ये देखो, तो ये भाई आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, सामने से जो गलत साइड पे आ रहे हैं टुवर्ड्स जो खाई वाली साइड है उसको थोड़ा बीच में रहने दो, और आप साइड में कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए हाँ, फेंसिंग तो आई, फेंसिंग आ गई भाई, जान में जाना ही छोड़ी, बस वो ये ना कि सामने से ना गाड़ी, ये होता है
भाई पहुंच गए हिक्किम टॉप पे। ये देखो भाई पीछे ब्यूटीफुल हिक्किम, ये देखो ये गांव है भाई। वो देखिए होम स्टे यहाँ पे भी शायद लोगों ने बना रखे होंगे। ये छोटा सा प्यारा सा गांव है भाई हिक्किम, और जहाँ पे जो फेमस थिंग है वो ये देखिए इंडियाज वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। तो चलिए भाई चिट्ठी डालते हैं उसमें चल के अंदर। और भाई लेकिन यहाँ तक के जो रास्ते थे आने में, दिल की धड़कन यहाँ से भाई बाहर निकल के आ गई। बहुत ही खतरनाक था रास्ता, तो भाई बहुत ही आसान तो नहीं था, थोड़ा डिफिकल्ट था। प्रो ड्राइवर हो भाई तो ही आना, अगर प्रो ड्राइवर नहीं हो तो मत आना भाई। बिकॉज क्या है कि थोड़ा सा ऑफ रोड है, और थोड़ा क्या भाई 80% ऑफ रोड है, सिंगल ही है, और सामने से गाड़ी आएगी तो थोड़ा डिफिकल्ट है पास करना। चलिए भाई चलते हैं चिट्ठी डालते हैं उसमें, ताकि हमारे घर पहुँच जाए, घर वालों को संदेश देते हैं कि हम पहुँच गए हैं। कि वैसे भी भाई हालत खराब। ये देखो अपने कहाँ आराम कर रहा भाई, बैठ गया भाई। इतना ऊंचा है भाई, क्या पहाड़ साला बराबर ही कर दिया काट के। और ये देखो बस थोड़ा सा पहाड़ और बचा है, आप चढ़ के जाना चाहो तो चढ़ जाओ। यहीं बैठ दो मिट्टी में। भाई मेरी तो फटके हाथ में आ गई है, गाड़ी चलाने में बहुत ऊपर है। अपनी गाड़ी खड़ी उधर क्रेटा के सामने। ये है पूरा हिक्किम विलेज, और आपको भाई कॉमिक भी जाना है तो आप कॉमिक भी चले जाओ। वो देखो कॉमिक, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। वो एक गाड़ी दिखाई दे रही है आपको जाती, शायद दिख रही होगी। वो टावर दिख रहा है आपको, वो वाला टावर वहाँ पे, वो जो टावर है भाई वो है कॉमिक विलेज। यहाँ से ज़्यादा आगे नहीं है, बस 4-5 किलोमीटर आगे होगा बस। भाई मन है जब इतना ऊपर आ गए 16 किलोमीटर, तो 4-5 किलोमीटर और जाना चाहिए। क्या बोलते हो भाई, कॉमिक चलना है? भाई हमारा लवली जो है सरेंडर कर देता है, कह रहा भैया वापस चलो कॉमिक नहीं जाना है। ये देखो टेम्पो ट्रेलर में बैठ के आए भाई, आराम से चिल कर रहे हैं, फन कर रहे हैं यहाँ पे। बिकॉज उनको पता है उनके एक्सपर्ट ड्राइवर है, प्रो ड्राइवर, आराम से ले जाएंगे। हम भाई खुद चला के आए हैं तो चलते हैं भाई। देखो हमने फोटो वोटो खिंचानी है, बट एक पोस्ट ऑफिस के सामने एक तो फोटो खिंचवा लेते हैं, और लेटर डालने का तो टाइम मिलेगा नहीं, लोग खड़े हुए लाइन लगा के। तो दिस इज इट गाइज फ्रॉम हिक्किम। कॉमिक भी समझ लो भाई पड़ोस में ही है, हम नहीं जा रहे हैं वहाँ, भी एक छोटा सा ऐसे गाँव होगा, खड़े होकर फोटो खिंचानी है भाई, और तो कुछ करना है नहीं। सेम यही जो है व्यू होगा, लैंडस्केपिंग एवरीथिंग इज सेम, ऑलमोस्ट पहाड़ का टॉप आ गया भाई। यहाँ तक चल पड़ें क्या? इसके पीछे शायद मेरे को लग रहा है चाइना वाइना ना दिख जाए हमें। जब हम आपको पता, हम आ रहे थे मूत विलेज से, वो वाले आपको पहाड़ दिख रहे हैं जहाँ पे वो ग्लेशियर वाले पहाड़ है, वो इतने ऊंचे पहाड़ है, ऑलमोस्ट उनके बराबर भाई ये पहाड़ आ गया। इतना ऊपर हम आ गए हैं, ऑलमोस्ट 16 या 15,500 फीट के आसपास होगा। चल रहे हैं भाई, बहुत देर हो गई है, लोग बैठे हैं इधर, देखो बकचोदियाँ कर रहे हैं, फोटो शोटो खिंचा रहे हैं। अपन चलते हैं गाड़ी मोड़ के। सो दिस इज इट फ्रॉम हिक्किम टॉप हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड। और कॉमिक जो है अपना भाई हाईएस्ट विलेज इन इंडिया है। सो दिस इज इट भाई, यहाँ से करते हैं टाटा बाय बाय। अब मिलते हैं भाई, नीचे जाएंगे सीधा। अब मैं आपको बताऊंगा कि नीचे पहुँचने के बाद हम क्या काजा में स्टे करने वाले हैं, या फिर सीधा की मोनेस्ट्री, या फिर चीचम विलेज जो है चीचम ब्रिज आज करेंगे। की मोनेस्ट्री अगर आज करेंगे तो आपको शेयर कर दूंगा, अदरवाइज काजा में स्टे करेंगे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग करेंगे। तो अभी टाइम हुआ है भाई 2:35, अगर हम 1 घंटे में नीचे पहुंच गए 3:30 तक, तो फिर हम चीचम ब्रिज और की मोनेस्ट्री आज ही कर लेंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम हिक्किम, मिलते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट में ही खत्म कर रहा हूँ, मिलते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड सेफ, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। आजा भाई आजा नीचे, चाइना वाले देख लेंगे वहाँ पे, चाइना का बॉर्डर दिख जाएगा वहाँ से, इतने ऊपर से पहाड़ के ऊपर ही पहुँच गया। बैठ के फिसलता हुआ आराम से, पूरा नाली तो बनी हुई है, पर नीचे तक आते आते तेरी पैंट और तेरे पिछवाड़े पे स्किन नहीं बचेगी, हड्डियाँ बचेगी भाई। आ जा आराम से।